फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर की मेजबानी में खेला जा रहा है। इसमें आगे के मैच का शेड्यूल किस प्रकार है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों कल ग्रुप सी का 2 मैच है और ग्रुप एफ का भी 2 मैच है। ग्रुप सी का पहला मैच पोलैंड वर्सेस अर्जेंटीना के बीच में है जो कि भारतीय समय अनुसार रात के 12:30 बजे खेला जाएगा। अर्जेंटीना जो कि बहुत ही मजबूत टीम है जिसमें मैसी जैसा एक बहुत ही दमदार प्लेयर है। ग्रुप सी का एक और मैच सऊदी अरेबिया और मोरक्को के बीच में खेला जाएगा, वो भी भारतीय समय अनुसार रात के 12:30 बजे खेला जाएगा। ग्रुप एफ का एक मैच क्रोशिया और बेल्जियम के साथ है, ये भी रात के 8:30 बजे खेला जाएगा। ग्रुप एफ का एक और मैच कनाडा वर्सेस मोरक्को के बीच में होगा, ये भी रात के 8:30 बजे खेला जाएगा। अब हम इन आठों टीम का पॉइंट टेबल पर देखते हैं कि पॉइंट टेबल पर ये किस प्रकार बने हुए हैं। पोलैंड 2 मैच खेला है, 1 जीत और 1 ड्रॉ के साथ पॉइंट 4 है। अर्जेंटीना 2 मैच खेला है, 1 जीत 1 हार के साथ पॉइंट 3 है। सऊदी अरेबिया 2 मैच खेला है, 1 जीत 1 हार के साथ इसका भी पॉइंट 3 है। मोरक्को 2 मैच खेला है, कोई जीत नहीं है, 1 हार और 1 ड्रॉ के साथ इसका पॉइंट 1 है। क्रोशिया 2 मैच खेला है, 1 जीत और 1 ड्रॉ के साथ पॉइंट 4 है। बेल्जियम 2 मैच खेला है, 1 जीत 1 हार के साथ पॉइंट 3 है। कनाडा 2 मैच खेला है, 1 भी जीत नहीं है, दोनों हार है, पॉइंट 0 है। मोरक्को 2 मैच खेला है, 1 जीत है 1 ड्रॉ के साथ पॉइंट 4 है। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हम जल्दी से जल्दी 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाएं।